हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ राजगीर में, जो कि पुराने ज़माने में मगध की राजधानी राजगीर हुआ करती थी। तो अभी हम लोग फ़िलहाल शांति स्तूप के पास जाने वाले हैं, जो कि बहुत ऊपर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने रोपवे भी है, बट हम लोग रोपवे से नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक करते हुए पूरे ऊपर चढ़ाई करेंगे। तो मज़ा आने वाला है, बारिश का मौसम है, मौसम बहुत सुहाना है। तो अभी हम लोग शांति स्तूप के पास जा रहे हैं, जो कि पहाड़ी पे है। और ये आप देख सकते हैं रोपवे है, इसके थ्रू भी लोग जाते हैं, बट हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, तो वॉक ही सही है। बहुत ही चढ़ाई वाला रास्ता है, बस इसीलिए थोड़ा सा ब्रीद कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तो हम लोग अभी शांति स्तूप के हाफ रास्ते को कवर कर चुके हैं, बट इतना चढ़ाई है कि कुछ लोग थक के रास्ते पे ही सो गए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट के लिए रुक रहे हैं। सांस को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गर्मी भी है, बारिश के कारण गर्मी बढ़ गया। 2 मिनट के रेस्ट के बाद फिर हम लोग आगे की रास्ते की ओर चल दिए हैं। ऑलमोस्ट हाफ कवर कर चुके थे, हाफ अभी बाकी है। ये जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध 14 वर्षों तक लोगों को उपदेश दिए थे, तपस्या में भी रहे थे। राजगीर एक्चुअली उनकी कर्म भूमि रही है। अगर पुराने ज़माने की बात की जाए तो राजगीर को राजगृह कहा जाता था। तो अभी हम लोग शांति स्तूप पे नहीं आए हैं, और आप जो है एक सामने की पहाड़ी पे देख सकते हैं शांति स्तूप वहाँ पर है। तो ऑलरेडी हम लोग का बहुत सारा एनर्जी यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पे जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सीन है, और हम लोग आप अगर आप देखेंगे वो ग्रीन हाउस जो आपको दिख रहा है, हम लोग वहाँ से चढ़ाई करके आ रहे हैं। ये पूरा पहाड़ी एरिया है, बट चढ़ने के लिए अच्छे से रास्ता बना हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट और फन भी, तो मज़ा आया। अभी हम गौतम बुद्ध की तपस्या स्थली से अभी शांति स्तूप की तरफ जा रहे हैं, और अभी भी बहुत बहुत लंबा रास्ता है। तो अभी तो फिलहाल नीचे उतरना है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट थोड़ा देर के बाद फिर ऊपर की ओर चढ़ाई। फाइनली हम लोग बहुत लंबी चढ़ाई के बाद लास्टली विश्व शांति स्तूप के पास पहुंच गए हैं। ये है विश्व शांति स्तूप, राजगीर और राजगृह। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, और हवा भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर यहाँ पे सोने का व्यवस्था हो जाता तो मज़ा ही आ जाता है। बहुत ही अच्छा मौसम है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वहाँ पे थे, जो कि गौतम बुद्ध का तपस्या स्थली है, और आप देख सकते हैं ये कितना नीचे था, और अभी हम लोग और इतना ऊपर आ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है।
आज हम लोग वॉक करते हुए आए हैं पैदल। कल हम लोग यहाँ पे रोप वे से आएंगे, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा और इजीली आ जाएंगे। आज तो शाम हो गया है तो अब पॉसिबल नहीं है रोप वे, तो कल मॉर्निंग में। बहुत ही अच्छा मौसम, बहुत ही अच्छा व्यू। बादल सामने है और ये बहुत ही नीचे गहरी खाई। देखिए तो कुछ नज़ारा होते हुए बहुत थकान होने के कारण हम लोग शॉर्टकट ले रहे हैं।